स्पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ सरदारी पर फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। अनवर मजीद और दीगर मुलजिमान पर भी वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद होगी। डीजी नैप सिंध नजफ मिर्जा ने 3 प्रोसिक्यूशन टीमें तश्कील दे दी। बिलावल हाउस के लिए प्रोसिक्यूशन टीम के सरबराह शहबाज सहोत्रा होंगे। मुंतजिम जज ने तीनों जगह वीडियो लिंक के लिए अदालती अहलकार तैनात कर दिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरस पड़ा। गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर, क्लिफ्टन और दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, कहर ढाती गर्मी को ब्रेक लग गई। हैदराबाद में भी बादलों की एंट्री, अंदरूनी सिंध सहंगढ़, शहदादपुर, टंडू आदम, शाहपुर चाकर में तूफानी बारिश, निशेबी इलाके जेरियाब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल, शहर कायद समय सिंध भर में 8 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेश गोई। सिंध में मानसून का आगाज, सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारे पेश की हिफाजती इकदामात और नालों से की सफाई से गाफिल, तहाल इकदामात ना उठाए गए। उधर कराची में पीटीआई रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान कचरे से अटे गुज्जर नाले पर पहुंच गए। सफाई ना होने पर वजीर आला सिंध की तस्वीर लगा दी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के इलेक्ट्रिक की नाअहली ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध का विफाक से के इलेक्ट्रिक खत्म करने और नई कंपनी लाने का मुतालबा। उधर घारू और पपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, शहर के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की फराहमी बंद। सिंध हुकूमत का कराची समेत सूबे भर में लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश। सूबाई वज़रा का कहना है कि के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेपको ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, पार्टी क़यादत ने वज़रा की मजमूई कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान भी जाहिर किया। महंगाई के सताए अवाम के लिए मजीद मुश्किलात। पंजाब में रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी गई। नान भाइयों के इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम। रोटी की कीमत अस्खुद 8 और नान की 15 रुपए कर दी गई। हुकूमती मशीनरी कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल बेबस। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे का 20 किलो का थैला मजीद 100 रुपए महंगा। फाइन आटा 1150 रुपए में फरोख्त होने लगा। सऊदी हुकूमत ने हज के हवाले से SOPs जारी कर दिए। 28 ज़िलक़द से 12 ज़िलहज तक मुकद्दस मकामात में दाखिला ममनू। हाजियों और कारकुनों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। हुज्जाज के लिए तवाफ सई के दौरान समाजी फासले की पाबंदी को यकीनी बनाना होगा। खाना काबा और हजरे अस्वद को छूने की इजाज़त नहीं होगी। शयातीन को मारने के लिए कंकरियाँ पैक दी जाएंगी। इज्तमाही नमाजों के लिए मास्क और 1.5 मीटर का फासला लाजमी रखना होगा। सऊदी अरब में पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के कारकुनान के अकामों में 3 माह की तौसी। सऊदी फरमारमा खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का बड़ा ऐलान। अकामों में तौसी के अलावा कारकुनान की छुट्टी में भी 3 माह का इजाफा कर दिया गया। उज़्मा कारदार को ऑडियो कॉल महंगी पड़ी। तहरीक इंसाफ की रुकनियत खत्म कर दी गई। रुकन पंजाब असम्बली की कुछ अर्सा कब एक ऑडियो सामने आई जिसमें उन्होंने पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया था। कमेटी ने मौकिफ सुनने और शवाहिद के मुआयने के बाद फैसला किया, उज़्मा कारदार को गैर जिम्मेदारी की मुर्तकब करार दिया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का प्रैक्टिस मैच। वूस्टर में 2 रोजा मैच में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए। बैट्समैनों के पेयर्स बनाकर मुख्तलिफ सेशंस में 2-2 घंटे बैटिंग कराई गई। हेड कोच ने पहले रोज नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अब्बास, यासिर शाह और जिशान अशरफ से बॉलिंग कराई। दूसरे रोज दीगर 5 बॉलर्स बॉलिंग करेंगे। और बरतानवी हुकूमत का मारूफ गुलुकार एल्टन को जबरदस्त खिराज तहसीन। एल्टन जॉन के नाम से खसूसी सिक्के जारी कर दिए।
स्टाइलिश मौसीकार के स्टारी सिक्के ब्रेडले मॉर्गन ने डिजाइन किए, एहसास पाने वाले दूसरे सिंगर बन गए। कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जो पाकिस्तान के टैक्स पे सबसे ज्यादा टैक्स जमा करके देता है, ये शहर है जिधर 58% टैक्स जमा होता है, 30% टैक्स जेनरेट होता है। उस शहर में बिजली के निजाम का ये हाल हो 21वीं सदी के अंदर, ये नामंजूर है। और हम इस सिलसिले में क्या क्या करेंगे वो आफ्ताब सिद्दीकी साहब बताएंगे। आज हमारा यहाँ जमा होकर इस बात का कहना है कि हमारे नज़दीक इसका हल ये है कि कराची में एक दूसरी कंपनी लाई जाए मुकाबले पे के इलेक्ट्रिक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि इस गर्मी में आप तशरीफ लाए। मैं अपने MNA और MPS का बड़ा मशहूर हूँ कि आज कराची की आवाज बन के यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी और मेरे MNA की उमर अयूब साहब के साथ और MD के इलेक्ट्रिक के साथ 24 जून को मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, और वहां MD के इलेक्ट्रिक ने यह वादा किया था कि 28 जून को से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। 28 जून को जब मैंने उन्हें कॉल की तो वही आए बाएं शाएं जो पिछले 10 साल से हम इनसे सुनते चले आ रहे हैं। 3 जुलाई को गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, 2.5 घंटे की मीटिंग हुई जिसमें शहजाद कासिम साहब, उमर अयूब साहब, के इलेक्ट्रिक का पूरा अमला, MNA, MPS सब मौजूद थे, और वहां पे भी जो रिजल्ट निकला वो 0 था। हमने ये पूछा इनसे कि आपकी डिमांड क्या है कराची की, कभी कहते हैं 3400, कभी कहते हैं 3600, जनरेशन कितनी है, कभी कहते हैं 2800, कभी कहते हैं 3200। 200 मेगावाट टपाल और गुल अहमद एनर्जी देता है इन्हें, 65 से 70 मेगावाट जो है कैनअप देती है इन्हें। इन्होंने हमसे कहा कि फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज है, फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज भी खत्म कर दी गई इनकी। इन्होंने कहा गैस नहीं मिल रही, मैंने गैस का पूरा रिकॉर्ड निकाला MD गैस सदन से, तो पता चला 196 MMCF का इनका कॉन्ट्रैक्ट है और इनको 286 MMCF दी जा रही है। हर तरह से इनको फैसिलिटेट किया गया। ये जो लोड शेडिंग है ये पिछले 10 साल से, जब से 2010 से इन्होंने टेक ओवर किया है, हर साल समर में यही सूरत हाल होती है। कोई सूरत हाल कतन बेहतर नहीं हुई और बल्कि वर्स्ट होती चली जा रही है। इस दफा तो इन्होंने सोने पे सुहागा कर दिया, जब लोग क्वारंटीन हुए हुए हैं, आइसोलेशन का शिकार है, मेरे मीडिया के भाई भी अभी ये बात कर रहे थे, हमारे MPA MNA क्वारंटीन हुए हुए हैं और बिजली नहीं है, और इसके साथ साथ ओवर बिलिंग में ये क्या करते हैं, 35 दिन का एवरेज लेते हैं, और जब एवरेज के ऊपर जब उनसे कंप्लेन की जाती है तो कहते हैं कि ठीक है हम एडजस्ट कर देते हैं। वो यूनिट एडजस्ट होता है, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता, यूनिट एडजस्ट होता है, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता। बेनतहा मेरे पास प्रूफ मौजूद है, लोगों ने भेजे हुए हैं। हम यहाँ बैठ के सबसे पहले तो ये मुतालबा करते हैं इनसे, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता, बेनतहा मेरे पास प्रूफ मौजूद है, लोगों ने भेजे हुए हैं। हम यहाँ बैठ के सबसे पहले तो ये मुतालबा करते हैं इनसे, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता, और इसके साथ साथ ओवर बिलिंग में ये क्या करते हैं, 35 दिन का एवरेज लेते हैं, और जब एवरेज के ऊपर जब उनसे कंप्लेन की जाती है तो कहते हैं कि ठीक है हम एडजस्ट कर देते हैं। वो यूनिट एडजस्ट होता है, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता, यूनिट एडजस्ट होता है, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता। बेनतहा मेरे पास प्रूफ मौजूद है, लोगों ने भेजे हुए हैं। हम यहाँ बैठ के सबसे पहले तो ये मुतालबा करते हैं इनसे, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता, बेनतहा मेरे पास प्रूफ मौजूद है, लोगों ने भेजे हुए हैं। हम यहाँ बैठ के सबसे पहले तो ये मुतालबा करते हैं इनसे, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता, और इसके साथ साथ ओवर बिलिंग में ये क्या करते हैं, 35 दिन का एवरेज लेते हैं, और जब एवरेज के ऊपर जब उनसे कंप्लेन की जाती है तो कहते हैं कि ठीक है हम एडजस्ट कर देते हैं। वो यूनिट एडजस्ट होता है,
टैरिफ एडजस्ट नहीं होता, यूनिट एडजस्ट होता है, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता। बेनतहा मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं, लोगों ने भेजे हुए हैं। हम यहाँ बैठ के सबसे पहले तो ये मुतालबा करते हैं इनसे, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता। बेनतहा मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं, लोगों ने भेजे हुए हैं। हम यहाँ बैठ के सबसे पहले तो ये मुतालबा करते हैं इनसे, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता।